स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी विद गोपी गोपाल में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं मैथ्स के उस इंटरेस्टिंग नंबर के बारे में जो कि एक से लेकर के दस तक की सभी संख्याओं से कट जाती है, और वो दो है नंबर है दोस्तों सबसे छोटी से छोटी नंबर। तो क्या आप सबको पता है? और अगर पता है तो आप पहले ही कमेंट में लिख करके बता दीजिए, और अगर नहीं पता तो आप वीडियो को देखिए आगे की ओर। तो देखते हैं दोस्तों, मैं आपको ये बताता हूं आखिर वो नंबर है कौन सी। वो नंबर है दोस्तों 25-20। क्या है वो नंबर? 25-20। अब आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों ये नंबर कैसे हो सकती है, और ये मिनिमम नंबर है। कौन सी है? छोटी से छोटी नंबर। ये मिनिमम नंबर है जो क्या करती है, मिनिमम नंबर है जो एक से लेकर के 10 तक की, 1 to 10 तक की सभी नंबर से ये कट जाती है। आप चाहे तो इसका भाग दे करके देख सकते हैं, आप चाहे इसमें 1 से भाग दीजिए तो भी कट जाएगा, 2 से भाग करेंगे, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से और 10 से, इन सभी 10 तक की संख्याओं से ये संख्या एकमात्र सबसे छोटी संख्या है जो कि कट जाती है। केवल एकमात्र मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि इसकी बड़ी से बड़ी संख्या भी हो सकती है, हम बात कर रहे हैं छोटी से छोटी संख्या की। तो इसके पीछे का फैक्ट क्या है दोस्तों, मैं ये नंबर लेकर के कहां से आया इसके बारे में आपको बताता हूं। केवल नंबर जान लेना जरूरी नहीं है, ये नंबर आया कहां से इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों आपको पहले से पता होगा कि जब भी हमें क्वेश्चन में छोटी से छोटी का फैक्ट दिया जाए तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं? जी हां दोस्तों, हम ज्ञात करते हैं LCM, अर्थात लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या ज्ञात करते हैं? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं LSAP, लघुत्तम समापवर्त्य। तो चलिए दोस्तों इसको मैं करके आप सबको बता देता हूं। आप क्या करेंगे दोस्तों, आपको करना होगा एक से लेकर के सभी संख्याओं को नोट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, मैंने 10 तक की सभी संख्याओं को नोट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसके फैक्टर करेंगे, अब हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे करेंगे दोस्तों, गुणनखंड करेंगे पहले 2 से काटेंगे, 1 को तो रहने देते हैं, 1 क्योंकि खुद से कटता है, 2 से, 1 वैसे ही 2 करना, 2 3 कटेगा नहीं, 4 कटेगा 2 बार में, 5 कटेगा नहीं, 6 कटेगा 3 बार में, 2 3 6, 7 नहीं कटेगा, 8 कटेगा 2 चौके 8, 9 वैसे ही रहेगा और 2 5 10। आप देखिए दोस्तों जब तक इसका फैक्ट क्या होता है, जब तक 2 से कटेगा तब तक 2 से काटेंगे। अब 2 से काटते हैं, 1 वैसे ही आया, 1 वैसे आया, 3 वैसे नोट कर दिया, 2 एकन्नम 2। जो संख्या नहीं कटने वाली, नहीं विभाज्य है, जो कि डिविजिबल नहीं है, उनको हम एज इट इज वैसे का वैसा ही नोट कर देंगे। 7 भी नहीं कटने वाला, फिर 2 दूनी 4 ये कटेगा, 9 और 5 भी नहीं कटेंगे। फिर 2 से काटते हैं, क्योंकि अभी एक संख्या है 2 से कटने वाली, 2 से काटते हैं, 1 वैसे रहेगा, 5 वैसे रहेगा, 3 वैसे रहेगा, 7 रहेगा, 2 एकन्नम 2, 9 और 5 वैसे ही आ जाएंगे, और हम इनके बीच में कॉमा लगा देते हैं। अब देखिए दोस्तों जब संख्या 2 से कट जाए तो अब हम काटते हैं 3 से, 3 ये 1 वैसे ही रहेंगे, 3 एकन्नम 3 ये भी हो गया, 5 नहीं कटने वाला, 3 एकन्नम 7 नहीं कटने वाला, 1 3 त्रिको 9 और 5 ये नहीं कटेगा। तो आप देख सकते हैं जो जो संख्या कटती जा रही है, हम मैंने उसको वहां पे काट दिया। आप क्या करते हैं, फिर 3 से कोई संख्या बच रही है, अभी 3 से काटेंगे, तो 1 1 1 1 1 सॉरी यहाँ पे 5 नहीं कटेगी, तो 5 वैसे हो जाएगा, 1 7 भी नहीं कटेगी, 1 3 एकन्नम 3 और 5 ये वैसे ही। आप देखिए दोस्तों 3 के बाद हम काटते हैं 5 से, क्योंकि 5 से छोटी संख्या, तो ये जो संख्या है हमारे पास 1 वो तो वैसे ही, 5 एकन्नम 5 ये भी, 7 नहीं कटेगा, 1 1 और ये 5 एकन्नम 5 ये भी हो गया। आप देखते हैं दोस्तों क्या बच रही है हमारे पास, लास्ट नंबर, लास्ट नंबर हमारे पास बचती है 7। तो देखिए इसको भी हम लिख देते हैं वैसे का वैसा ही, सभी संख्याएं कट गई। देखिए दोस्तों लास्ट में हमारे पास सब 1 1 ही आ गया। अब चलिए बात करते हैं हम इनके गुणनखंड ज्ञात करते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इनका LCM क्या हो जाएगा, LCM के लिए क्या करते हैं, सभी संख्याओं को गुणा कर देते हैं। आप यहीं पे देखिए मैं गुणा करते जाता हूँ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिको 24, 24 त्रिको 72, 72 और देखिए दोस्तों ये हो गया 72, यहाँ पे 7 और 5 को गुणा कर देते हैं 35, 7 × 35। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीधे लिख देते हैं 72 × 35। अब आप इन संख्याओं का गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10 की 0 हासिल आए 1, 5 सते 35 और 1 36। फिर आते हैं 3 से गुणा करते हैं, 3 दूनी 6 कोई हासिल नहीं, 3 सते कितना होता है 21, तो ये 21 लिख दिया। आप देखिए दोस्तों इनको हम जोड़ देते हैं, क्या आता है 0, 6 6 12 की 2 हासिल आए 1,
तीन एक चार और एक पांच हो गया, और ये दो वैसे, ये क्या दोस्तों वही नंबर तो आ गया 25 और 20। तो मैंने जो बताया था वही नंबर आ गया। तो मिनिमम नंबर कौन सी होती है 25 और 20, और इसको ज्ञात कैसे करते हैं, फाइंड आउट कैसे करते हैं, मैंने आपको बता दिया है एलसीएम करके करते हैं। जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आया है एक बार रिमाइंड करके वीडियो को जरूर देख लीजिए, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों आप ये बताइए आज का ये अमेजिंग और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको कैसा लगा, क्या इसके पहले भी आपको ये जानकारी थी, और अगर नहीं थी तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए, और वीडियो पे जो बच्चे नए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।